दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी सात बातें या 7 पॉइंट शेयर करने वाला हूं जो हर एक महिला या उसके पति को हर हाल में पता होने चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे फाइब्रॉइड्स या यूट्रस के अंदर रसौली का खतरा बढ़ता जाता है। उनमें सबसे पहला होता है कि भाई फाइब्रॉइड्स होते क्या है, फाइब्रॉइड्स बनते कहाँ पे हैं, इनके लक्षण क्या क्या होते हैं, फाइब्रॉइड्स या बच्चेदानी में रसौली बनने के कारण क्या होते हैं, उसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, उसके अलावा अगर किसी को फाइब्रॉइड्स हो जाए तो उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या आते हैं, कौन कौन सी जांचें होती हैं फाइब्रॉइड को कंफर्म करने के लिए, क्या सिर्फ सर्जरी के द्वारा ही या ऑपरेशन के द्वारा ही फाइब्रॉइड को ठीक किया जा सकता है या इसके नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी अवेलेबल है। नॉन सर्जिकल या बिना ऑपरेशन के भी फाइब्रॉइड को ठीक करने के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मगर उसको जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। अगर आप स्किप करके जाते हैं तो आप पूरी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक और अपील कि अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी जरूर कर लेना। फाइब्रॉइड या बच्चेदानी की रसौली एक महिलाओं की बहुत ही कॉमन समस्या होती है और ये किसी भी एज ग्रुप में महिलाओं को बीमारी हो सकती है जैसे ही उनको मेंसेस शुरू हो जाती है। हालांकि जो सबसे कॉमन एज होती है वो 30 से 55 साल की उम्र में फाइब्रॉइड्स महिलाओं में बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। ये एक नॉन कैंसेरियस या नॉन कार्सिनोजेनिक गांठ होती है या ट्यूमर होता है जिसको फाइब्रॉइड कहते हैं, यानी कि ये कैंसर वाली गांठ नहीं होती है। जो बच्चेदानी की रसौली है या जिसको फाइब्रॉइड कहते हैं ये अलग अलग साइज की होती है। एक छोटे से मटर के दाने के बराबर साइज से लेके ये बड़े तरबूज के बराबर के आकार की भी हो सकती है और इस बीमारी का इलाज भी इसके साइज, इसकी साइट, आपको होने वाले लक्षण और परेशानियां इन सब पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार का इलाज आपके लिए फायदेमंद होगा। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं, वो कौन कौन सी परेशानियां होती हैं जो किसी मरीज के सामने आती हैं। जिसका सबसे कॉमन और मुख्य लक्षण होता है वो होता है ब्लीडिंग। बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है, इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है, दो मेंसेस के बीच में स्पॉट्स आ सकते हैं। उसके अलावा मरीज को कमर में दर्द रहता है, पेशेंट्स की जो थाई है उनमें दर्द होता है, पेट के निचले हिस्से में या टेढ़ू में जो है वो मरीज को भारीपन और दर्द महसूस होने लगता है और कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। तो सबसे बड़ा फैक्टर होता है एज। जो भी प्यूबर्टी की एज होती है उसके बाद खासतौर से 30 से 55 साल की उम्र में इसका सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है। उसके अलावा फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी को फैमिली में फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम है तो ये भी एक रिस्क फैक्टर होता है। उसके अलावा जो लोग नॉन वेज होते हैं या जो खासतौर से रेड मीट ज़्यादा खाते हैं उनके अंदर इसकी समस्या बढ़ने का खतरा ज़्यादा रहता है। अगर महिला को जो मेंसेस है वो जल्दी शुरू हो जाते हैं तो उनको खतरा ज़्यादा होता है और ऐसी महिलाएं जिनका वेट ज़्यादा होता है या ओबेसिटी के कारण भी फाइब्रॉइड यूट्रस का या बच्चेदानी के ट्यूमर का या गांठ का जो खतरा है या रसौली का जो खतरा है वो ज़्यादा होता है। ये तो हमने जान लिया कि इसके लक्षण क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, लेकिन इसको जांच कैसे कर सकते हैं, आपको कंफर्म कैसे पता लगे कि आपको फाइब्रॉइड है या नहीं है। तो अगर ऊपर वाले आपको कोई भी लक्षण दिखने लगते हैं तो बड़ी सिंपल सिर्फ दो जांच से, कई बार इवन गायनेकोलॉजिस्ट जांच करके पता लगा लेते हैं और साथ में अगर आप एक अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं तो इन दो जाँच से कन्फर्म हो जाता है कि आपका फाइब्रॉइड कहाँ पर है, उसका साइज़ क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, कितना बड़ा है, कितना छोटा, उसे अल्ट्रासाउंड से पता लग जाता है। उसके अलावा आप और एडवांस जांचें भी करा सकते हैं जैसे सीटी स्कैन से या एमआरआई कराने से भी आप यूट्रस के अंदर जो रसौली है या गांठ है उसको पता कर सकते हैं। उसके अलावा एक और जांच होती है जिसको हिस्टोसेल्पिंजियोग्राफी कहते हैं, उसके थ्रू भी आप इसका पता लगा सकते हैं। अब बात आती है कि भी इसका ट्रीटमेंट क्या है। देखिए ट्रीटमेंट इसके दो तरह से हो सकते हैं, वो भी डिपेंड करता है कि फाइब्रॉइड का या बच्चेदानी के अंदर रसौली का साइज़ कितना है। अगर वो बहुत छोटा साइज़ है, आपको सिम्टम्स बहुत ज़्यादा नहीं है, तो सिंपल कुछ पेन किलर्स के साथ इवन कुछ आपको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के द्वारा भी इसको इलाज किया जा सकता है। और साथ ही साथ जैसे ट्रेनेक्सेमिक एसिड होता है वो भी काफ़ी फायदेमंद होता है आपके ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में। या उसके अलावा कुछ डिवाइसेज होते हैं जो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेज जिनको IUDs कहते हैं या जैसे मैरिना इंसर्शन है, इससे भी काफ़ी हद तक ऐसे मरीजों को फ़ायदा मिल जाता है जिनके फाइब्रॉइड का या जो रसौली का साइज़ है वो काफ़ी छोटा है। लेकिन अगर साइज़ बहुत बड़ा हो तो उसका क्या इलाज है, क्या फिर सर्जरी ही करानी पड़ेगी उसके लिए? तो देखिए यस, बहुत सारे केसेस में सर्जरी ही एक ऑप्शन होता है, लेकिन उसको उसका भी एक सेलेक्टिव क्राइटेरिया है। देखिए वो आप पे भी डिपेंड करता है, अगर आप इस एज में है कि नहीं आपको आगे बच्चा चाहिए तो डेफिनेटली आप यूट्रस नहीं निकालेंगे, क्योंकि जो उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है
वो होता है यूट्रस का रिमूवल, जिसको हिस्ट्रेक्टमी के नाम से जाना जाता है। ये एब्डोमिनल भी हो सकती है, यानी कि थ्रू एब्डोमिन के चिरल आगे भी इसको करते हैं तो इसको एब्डोमिनल हिस्ट्रेक्टमी कहते हैं, या वजाइनल हिस्ट्रेक्टमी भी होती है। वजाइना के थ्रू अगर इस फाइब्रॉइड को निकालते हैं या पूरे यूट्रस को बाहर निकालते हैं तो इसको वजाइनल हिस्ट्रेक्टमी कहते हैं। और साथ ही अभी लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स भी होता है, छोटे छोटे चीरे लगा के आपके पेट के ऊपर इसको निकाल दिया जाता है। तो ये तो हो गया सर्जिकल इंटरवेंशन, मगर इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस भी होते हैं। अगर आप बच्चा आगे प्लान कर रहे हैं या आप अभी कम उम्र में हैं और आप नहीं चाहते कि आपका यूट्रस रिमूव किया जाए, तो उसके लिए और दो तीन तरीके होते हैं। उसमें एक होता है कि आपको कुछ GnRH करके, जो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एंटागोनिस्ट होते हैं, उनको दिया जाता है। मगर इनमें दिक्कत की एक बात होती है कि इनको आप बहुत लंबे समय तक नहीं ले सकते, इनको 3 से 6 महीने तक ही हर एक महीने पर एक आपको डोज दी जाती है, जिससे आपको एक तरीके से मीनोपॉज वाली कंडीशन हो जाती है, मेंसेस आना बंद हो जाते हैं और धीरे 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 फाइब्रॉइड का साइज है वो सिकुड़ने लगता है। लेकिन इसको लॉन्ग टर्म देने पर आपको और भी दूसरे साइड इफेक्ट आते हैं, आपकी बोन कमजोर होने लगती है। इसी तरीके से एक दूसरा इलाज और होता है, लेकिन ये थोड़ा सा मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर होता है, जिसको एम्बोलाइजेशन कहते हैं। एम्बोलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो आर्टरी फाइब्रॉइड को यूट्रस के अंदर ब्लड सप्लाई कर रही होती है, तो उस आर्टरी के अंदर ये एक दवाई जिसको PVA कहते हैं, वो इंजेक्ट कर दी जाती है। अब ये जो दवाई है ये इस आर्टरी के अंदर ब्लड सप्लाई को रोक देती है, जिससे आगे फाइब्रॉइड की ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है और धीरे धीरे जो फाइब्रॉइड का साइज हो सिकुड़ने लगता है। लेकिन इसमें फिर भी रिकरेंसी के चांसेस बने रहते हैं। तो इस तरीके से आप चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा तरीका इलाज का चूज करना है। इसके अलावा एक इलाज और होता है, ये भी एक मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर होता है, जिसको मायोमेक्टोमी कहा जाता है। ये भी अक्सर छोटे फाइब्रॉइड्स को निकालने में फायदेमंद होता है। तो इसमें सिर्फ फाइब्रॉइड्स को, थोड़ी सी लेयर जो अंदर की यूट्रस की लेयर होती है, उसको निकाल दिया जाता है। बट फिर भी वहां पे देखिए खतरा बना रहता है कि आपको ये रिकरेंट हो जाए, फिर से वापस आ जाए। बट अगर आप उस एज में है कि नहीं, अब आगे बच्चा प्लान नहीं करना है, तो फिर उसका जो सबसे अच्छा या ऐसा ट्रीटमेंट कि फिर से वापस ये ना आए, वो होता है यूट्रस को रिमूव करना, जिसको हिस्टरेक्टमी कहते हैं। लेकिन उसके भी अपने नुकसान है, जिसके बारे में आप किसी दूसरी वीडियो में आप आगे देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से जरूर कुछ सीखा होगा, और वाकई आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो उसको लाइक और शेयर जरूर कर लेना, और अगर चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें, सो दैट इस तरह के हेल्थ इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको समझते मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।